हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीसेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में लेकर के आई हूँ मिलिट्री अभ्यास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट कराया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट जा कर के देखें। ये इसका सेकेंड पार्ट है, आज मैं इसका सेकेंड पार्ट करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपनी क्लास को। और जिसने भी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सारा मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ, तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखें, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। आई होप सभी ने ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये रिवीजन करा रही हूँ सारी टॉपिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला अभ्यास है लमिति अभ्यास 2024। ये कहाँ आयोजन किया गया? सेशेल्स में इसका आयोजन किया गया है। भारत और सेशेल्स के बीच हुआ है। ये द्विवार्षिक अभ्यास है। लमिते का अर्थ होता है दोस्ती। ये 2024 का 10वां संस्करण है और 2001 में इसकी शुरुआत हुई है। भारतीय सेना और एसडीएफ के गोरखा राइफल के 45 कर्मियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें लमिते अभ्यास ने। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अभ्यास है। नेक्स्ट है त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति। ये जैसलमेर के पोखरण में राजस्थान में है। ये भाग किसने लिया है? भारत की तरफ से ICA तेजस ने, ALII MKN ने लिया, LCH बचन मोबाइल एंटीडोन ने इसमें भाग लिया भारत की तरफ से। राजस्थान के CM कौन है? भजन लाल शर्मा। गवर्नर कलराज मिश्र। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं स्टीट फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास है। नाटो के द्वारा ये आयोजन किया गया है। इसका किसके द्वारा? नाटो के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 90,000 सैनिक इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन अभ्यास। ये इसका कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। ये कहाँ पर आयोजन किया गया है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जन अभ्यास के बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट है ये वार्षिक अभ्यास है। 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने जापान की तरफ से भाग लिया। भारत की तरफ से राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन ने भारत की तरफ से भाग लिया है। इसका कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। और ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? राजस्थान के महाजन पिंड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। भारत जापान के बीच ये धर्मगाय अभ्यास होता है। नेक्स्ट है अभ्यास दोस्ती। पर्यवेक्षक रूप से बांग्लादेश के साथ है ये। ICGS समर्थ ICG अभिनव डॉर्नियर भारत की तरफ से भाग लिया है। किसने भारत की तरफ से भाग लिया? ICGS समर्थ और ICGS अभिनव डॉर्नियर ने भारत की तरफ से भाग लिया है। ये किसके बीच होता है? किसके बीच हुआ है? भारत मालदीप श्रीलंका के बीच हुआ है, इसलिए ये त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ। ये इसका कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है ये इसका। 1991 भारत और मालदीप के बीच 2012 में श्रीलंका शामिल हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। सहयोग काइजिन अभ्यास है, जो चेन्नई में आयोजित किया गया है और भारत और जापान के बीच होता है। तटरक्षकों के द्वारा आयोजन इसका किया जाता है। 20वां संस्करण है ये, आप याद रखिए कि सहयोग काइजन का कौन सा संस्करण 2024 में 20वां संस्करण। और कहाँ आयोजन हुआ है? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति कौन सा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्वशक्ति। इसका जो आयोजन किया गया है, जो शुरू किया गया, भारतीय सेना के द्वारा ये शुरू किया गया ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर की राजौरी और पूंछ जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। आतंकवादियों को सफाया करने के लिए शुरू किया गया था। नोट देखते हैं 2003 में सर्व विनाश ऑपरेशन की तरह ही है, जो पीर पंजाल रेंज में सुरनकोट इलाके में शुरू किया गया था। इसका नोट है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप थोड़ा सा फैक्ट जो है जो अलग से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ आयोजन किया गया? इसका काठमांडू नेपाल के वीरेन शांति ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र में आयोजन इसका किया गया है। 19 देश के 1125 सैन्य कर्मियों ने इसमें भाग लिया। कितने देशों के? 19 देशों के। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल ने इनका उद्घाटन किया है। और ये नोट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। नेक्स्ट है कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास। पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में इसका आयोजन किया गया है।
INS तीर भारतीय नौसेना 2019 से भाग ले रही है। कौन सा इंपॉर्टेंट वाला कटला एक्सप्रेस 2024 INS तीर है जो वो 2019 से भारतीय वायुसेना से भाग ले रही है। भारत USA और अफ्रीका देशों ने इसमें भाग लिया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है? रामा कलावन, भारतीय मूल के हैं ये सेशेल्स के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास है। कौन सा है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये इसका तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? इसका तीसरा संस्करण है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच ये अभ्यास होता है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। जहाज गल्डान ने भारत से भाग लिया है। किसने? जहाज गल्डान ने भारत से भाग लिया और फेरी लड़के जहाज ने मलेशिया की तरफ से भाग लिया। ये कौन सा संस्करण है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट, और किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं कौन सा है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024, ये इसका 12वां संस्करण है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये आयोजन किया गया। ये द्विवार्षिक अभ्यास है और पिछला संस्करण था 11वां इसका, जो विशाखापट्टनम में ही हुआ था। 2022 में ये अभ्यास हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय नौसेना द्वारा ये इसका आयोजन किया गया है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हो वो आप इजीली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है सूर्य किरण 2023, ये अभ्यास है। ये कहाँ पर आयोजन किया गया है? इसका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। ये कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण है और 2011 में मिजोरम में इसकी शुरुआत हुई थी। 16वां संस्करण होता है सालझड़ी नेपाल में, इसका ये 16वां संस्करण हुआ था। नेपाल की तरफ से 334 कर्मी तारा दल बटालियन ने भाग लिया। भारत से 354 कर्मी कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन के द्वारा इसमें भाग लिया। कौन सा संस्करण है इस बार का? 16वां संस्करण है और ये 16वां संस्करण इसका सालझड़ी झंडी और नेपाल में इसका हुआ था आयोजन, और इस बार का आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। संयुक्त अभ्यास साइक्लोन, ये किसके बीच होता है? भारत और मिस्र के बीच होता है। असांस मिस्र में आयोजन किया गया है। भारतीय दल पैरासूट रेजिमेंट के सैनिक ने भाग लिया है। दूसरा संस्करण था, ये पहला संस्करण इसका भारत में ही हुआ था। इस बार मिस्र में आयोजन हुआ है और पिछला जो पहला था वो भारत में आयोजन, इसलिए पहला इंपॉर्टेंट हो रहा था। दूसरा इस बार हुआ है, दूसरा संस्करण है इस बार का साइक्लोन और भारत और मिस्र के बीच हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और UAE के बीच में हुआ है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। 2008 में अबू धाबी के अल दफरा में इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं कौन सा है। पर्वत प्रहार अभ्यास पूर्वी लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना में ने इसका आयोजन किया था और उद्देश्य इसका भारत चीन की सीमा के पास पहाड़ी इलाकों में सेना की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने पर ये केंद्रित है। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं बिनबैक्स 2023 अभ्यास। भारत और वियतनाम के बीच सशस्त्र बलों ने किया। 4th संस्करण था इसका, ये हनोई वियतनाम में इसका आयोजन किया गया। 2018 में जबलपुर मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? बंगाल इंजीनियर ग्रुप के एक इंजीनियर रेजिमेंट के 39वें और आर्मी मेडिकल कोर में 6 कर्मी ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। बोंगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया है इसका, ये 4th संस्करण है और जहाज अबू बकर अबू वैदा ने बांग्लादेश की तरफ से भाग लिया है। जहाज कुठार किल्टान और MPA डोर्नियर ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं वज्रप्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 संस्करण है और 13वां संस्करण बकलोह हिमाचल में हुआ था। पहला संस्करण इसका 2010 में हुआ था, भारत में ही आयोजन किया गया था इसका, और उमरोही मेघालय में इस बार इसका आयोजन किया गया है। भारत की सेना टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल जवानों द्वारा भारत की तरफ से भाग लिया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति अभ्यास, इसका ये 10वां संस्करण है। 12 अगस्त से शुरू हुआ था इसका अभ्यास और भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, दक्षिणी प्रांत के अमदुरैया में हुआ है। इसका उद्देश्य जो है वो है दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए ये अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर
कि चैप्टर 7 के अनुरूप अर्धशहरी माहौल में संयुक्त अभियानों को पर केंद्रित होगा। ये श्रीलंका की तरफ से किसने भाग लिया, गजबा रेजिमेंट ने भाग लिया है और एक खास इन्फेंट्री रेजिमेंट पैदल सेना ने भी इसमें भाग लिया है। भारतीय सेना की तरफ से राजपूताना राइफल्स राज रिंक 120 जवानों की एक यूनिट इसमें शामिल हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। और अगर आपको इसके PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, और ये हैंड रिटन नोट्स हैं इसलिए आपको PDF वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको दी जा रही है, तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम पर हमारे क्विज भी चल रहे हैं, GS+ हिंदी के दोनों क्विज हो रहा है पर डे, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।